इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। क्रांति का आज आता जो जियांग को कॉल करता है, जियांग से कहने लगता है कि मेरे पास वीआईपी टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जो मुझे मेरे फ्रेंड से मिल गई थी। तो जियांग कहने लगती कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सॉरी मैं नहीं आ सकती। ये सुनते साथ ही कुरान तो सैड हो जाता है, क्योंकि वो टिकट्स उसको मिली नहीं थी, बल्कि उसने वो खुद बाय की थी, वो भी स्पेशली अपने और जियांग के लिए। इसके बाद कुरान जियांग और फैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ कर खा रहा होता, वहीं पर जियांग भी आ जाती है। जियांग को देखकर वो लोग पूछने लगते कि तुम यहाँ पर कैसे, और जियांग उन्हें कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर हो, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई हुई हूँ, तो मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। ये कहकर उसी के पास चली जाती जिससे मिलने के लिए आई थी। कुरान को तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि जियांग उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। ये देखकर जियांग उसे कहने लगता है कि तुम अपना लव कन्फेस जियांग से क्यों नहीं करते थे। तो कुरान कहने लगता है कि क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर हमारी फ्रेंडशिप भी ना रही तो, और क्या पता वो उसका बॉयफ्रेंड हो और वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड ना समझती हो, क्योंकि वो मुझ जैसे लड़के को थोड़ी ना पसंद करती होगी। अब यहाँ फ्रेंक जिसको पता तो नहीं था कि कुरान जियांग को लाइक करता है, पर फिर भी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना लव जियांग को बताना चाहिए कि तुम उसको कितना लाइक करते हो, तुम ये गलत कर रहे हो। अब इसके बाद कुरान और जियांग दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। कुरान जियांग से बात कहना चाह रहा होता है पर नहीं कहता। जियांग जैसे वहाँ से जाने लगती है तो वो फिर से कुरान को बुलाकर कुछ कहने लगती है, पर उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब कुरान इसके बाद जियांग के कार में बैठ कर जा रहा होता था, उन्हें बताने लगता है कि जियांग ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस गुड बाय कहकर चली गई। और फिर फैंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम स्कूल की गैदरिंग में जाओगे। फैंग तो साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे ये तो पता है कि जियांग और सुजई ने तो नहीं जाना, पर मैंने सुना है कि जियांग ने जरूर जाना है। ये सुनते साथ ही कुरान फौरन हाँ कर देता है, उसे कॉल भी कर देता है जिसने ये अरेंजमेंट की होती है। कुरान दिखाया जाता है जो अपने आप को मोबाइल में देख रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। इतने में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वो देखो कितनी प्यारी लड़की है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग होती है। जियांग को तो देखकर कुरान भी देखता ही रह जाता है, और जियांग उसके पास में आकर कहने लगती है कि क्या हो गया। तो वो कहने लगता है कि आज तुम काफी डिफरेंट लग रही हो, पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। इतने में एक लड़का जियांग से डांस का पूछने के लिए आ जाता है। जियांग कहने लगती है कि नहीं मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। अब ये सुनते साथ ही कुरान भी उसे कहने लगता है कि हाँ देखो इसने हील पहनी हुई, कहीं तुम्हारे पाँव के ऊपर पाँव देते तो। ये सुनकर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उसे दिखाने के लिए उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद एक लड़का कुरान के साथ आके बैठ जाता है, वो उसी लड़के का फ्रेंड होता है जो जियांग को लेकर क्या था। उसे कहने लगता है कि इसको काफी टाइम से जियांग पर क्रश है, पर जियांग मान नहीं रही, और तुम्हें अगर कुछ जियांग के बारे में पता है तो तुम हमें बता दो। पर कुरान कहने लगता है कि नहीं मैं जियांग को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता। फिर कुरान जब एक जगह पर खड़ा होता है तो जियांग की फ्रेंड कुरान के पास आती, कुरान से पूछने लगती है कि तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गए। जिस पर कुरान कहता है कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, तो वो कहने लगती है कि जियांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो उससे कहने लगती है कि वो तो तुम्हें लाइक करती, क्या तुम उसे लाइक नहीं करते हो। तो कुरान उसे काफी शौक होकर पूछने लगता है कि ये उसने क्या खुद कहा। तो वो कहने लगती है कि हाँ एक दफा उसने बताया था, जब वो हमारे साथ बैठे हुए थे उसने कहा था कि मुझे कुरान पर क्रश है, कि अगर वो मुझे प्रपोज करता है तो मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। ये वही बात होती है जिसको हाफ कुरान ने सुना था, बाकी की बात को नहीं सुना था। तो वो फौरन भाग कर बाहर आता, देखता है कि जियांग तो वहाँ पर नहीं है, तो वो वहाँ से भाई जियांग को ढूंढने के लिए भागता है। पर जियांग भी ज्यादा दूर नहीं गई थी, वो अभी यहाँ से निकली थी। तो कुरान उसको पीछे से बुलाकर कहता है कि तुमने मुझे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं किया, मैं तो तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें बताने की, मुझे लगा कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, और मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा था जाने से पहले, पर वो लेटर मैं तुम्हें नहीं दे पाया, और उसको मैंने पिछले 5 साल से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। वो अपने वॉलेट से निकाल कर वही लेटर जियांग को देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता हूँ। ये सब बातें कहने के बाद उसे अपना लव कन्फेस कर देता, कह देता है कि जियांग आई लाइक यू। ये सुनते ही जियांग कुरान से कहने लगते है कि मैंने तुम्हें अपना कभी फ्रेंड समझा ही नहीं था, और ये कहकर कुरान को किस कर लेते, कहने लगते है कि आज तो तुम समझ गए होगे। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब ये दोनों कपल तो एक साथ घूम ही रहे होते हैं, पर फैंग जो उनमें सिंगल होता है वो कहने लगता है कि देखो दोनों भी कपल है, पर मुझे समझने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अभी सुसई तो जियांग को वहाँ से लेकर चली जाती है, और जियांग लू उन सबको बताता है कि मैं सुसई को प्रपोज करने वाला हूँ। अभी दिखाया जाता है कि जियांग लू ने अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होती है, पेपर जेट के बारे में बताना होता है, वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। इतने में सुसई भी आकर ऑडियंस में बैठ जाती है। सुसई को देखकर जियांग लू सबको कहने लगता है कि ये सब पॉसिबल मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हो पाया है। ये सब बातें कहकर वो सुसई की तारीफे वगैरह कर रहा होता है। सुसई तो ये सुन सुनकर खुश हो रही होती है। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पर सुसई रह जाती है, जिसे देखकर जियांग लू उसके पास आता है। सुसई उसे किस करने को कहती है, तो जियांग लू जब एक किस कर लेता है तो सुसई कहती है कि दूसरी। तो जियांग लू कहते कि क्या ये कोई गेम चल रही है कि अगर तुम दूसरी कहोगे तो मैं दूसरी कर लूंगा। सुसई कहती कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे आने की वजह से तुम फर्स्ट प्राइज जीत पाए हो। अब ये बात सुनने के बाद जियांग लू सुसई को किस कर लेता, फिर सुसई को एक जगह पर ले आता है, जिसे देखकर सुसई पूछने लगती है कि ये क्या है। तो जियांग लू उसे कहते हैं कि हमारा
है, क्योंकि पहले वाला घर रेंट का था और ये वाला घर उसने खुद लिया था। और सुसई से कहते हैं कि तुम्हें जिस तरह की जिस कलर की जो चीज चाहिए हो बताना, हम वही चीज इस घर में रखेंगे। तो सुसई उसको बताने लगती है कि यहाँ पर इस तरह के कर्टन्स होने चाहिए, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। इसी में जेंगरू ने जो सुसई के लिए वीडियो बनाई होती है वही वाली वीडियो ऑन कर देता है। तो सुसई उस वीडियो को देखने लगती है, उसमें वो सारी वीडियो होती है जो छुपके छुपके जेंगरू ने सुसई के लिए बनाई थी। अब ये जेंगरू सुसई के पास आकर घुटनों के बल बैठ कर उससे पूछ लेता है कि विल यू मैरी मी। इस बात पर सुसई कहने लगती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं अपनी पॉकेट मनी सेव कर रही हूँ ताकि हम शादी कर पाए, और उसे भी शादी के लिए हाँ कर देती है और अपना हाथ आगे कर देती है। जेंगरू जब उसे रिंग पहना देता है तो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और फिर फाइनली इनका वेडिंग डे भी आ जाता है, जहाँ पर जेंगरू सुसई के आने का वेट कर रहा होता है। सुसई भी अपने डैड के साथ आ रही होती है, और फिर सुसई का डैड सुसई का हाथ जेंगरू के हाथ में पकड़ाता है। और फिर जब जेंगरू सुसई की मैरिज सेरेमनी हो जाती है तो लास्ट में सभी लोग उन्हें कहने लगते हैं कि किस करो किस करो, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और इसी किस में इनके सब हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, और लास्ट में इनका एक फैमिली फ्रेंड फोटोशूट भी होता है और डांस वगैरह करते हैं, काफी इंजॉय करते हैं सभी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुसई को जेंगलू सोने के लिए कहता है, और सुसई से पूछी होती है कि तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए कब जाना है, तो वो उसे बताते हैं कि सुबह 7 बजे, पर मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा क्योंकि तुम काफी थक चुकी हो। ये बात सुनकर सुसई जेंगलू को अपने साथ सोने के लिए कहती है। और फिर जब दोनों साथ में लेटे होते हैं तो सुसई उसे पूछने लगती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो कहते हैं कि हाँ पूछो। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें दो चीजों में चॉइस करना हो तो तुम किसको चूज करोगे, मुझे या मेरी हाइट को, तो वो कहता है कि तुम्हें। फिर सुसई पूछती है कि तुम्हें मुझ में और पैसे में कुछ चूज करना हो तो तुम क्या चूज करोगे, तो वो कहता है कि पैसे को। अब ये सुनकर सुसई तो गुस्सा आ जाती है, कहने लगती है कि मेरे से सारे पैसे ले लो। तो जेंगलू से रोकते हुए कहने लगते है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें हमेशा चूज करूंगा। फिर सुसई खुश हो जाती है, कहने लगती है कि अगर तुम लंबे भी ना हो, प्यारे भी ना हो, हैंडसम भी ना हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। तो जेंगलू कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं डरता। तो सुसई कहने लगती है कि क्यों, तो वो कहता है कि कोई रीजन नहीं। अब इसके बाद सुसई और जेंगलू दोनों साथ में बैठ कर मूवी देख रहे होते हैं। सुसई जेंगलू से पूछने लगती है कि अगर तुम अपने पास में दोबारा से चले जाते हो तो तुम क्या चीज लोगे जो तुम नहीं ले पाए। तो जेंगलू कहता है कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे पछताना पड़े या मुझे बदलना पड़े, क्योंकि अगर ऐसी किस्मत है तो मुझे पहले वाली भी अच्छी थी और अब वाली भी अच्छी है। ये बात सुनकर सुसई खड़ी हो जाती है, जेंगलू से कहने लगती है कि मुझे किस चाहिए। तो जेंगलू भी सुसई को पकड़ कर अपने पास बैठा लेता है, और फिर जेंगलू सुसई को किस कर लेता है। और फिर हमें इसके बाद का टाइम दिखाया जाता है, सुसई जेंगलू को कॉल करके जेंगलू कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ, तो वो कहती है कि मैं तो ऑफिस हूँ ही नहीं। तो वो पूछने लगते है कि अच्छा कहाँ पर, तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ऑफिस से हाफ ऑफ ले लिया था। तो जेंगलू जब सुसई के पास पहुँचता तो उसे पूछने लगते है कि तुम कहाँ पर थी, तो सुसई उसको हक करके बताती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। ये सुनते साथ ही जेंगलू तो परेशान हो जाता, कहने लगते है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते साथ जेंगलू के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते, तो सुसई कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताया कि हमारा बेबी होने वाला है तो तुम्हारा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो जेंगलू हंसने लगता, कहने लगते है कि ये तो मेरा काफी टाइम से ड्रीम था, और इतना खुश हो जाता है। और काफी टाइम गुजरने के बाद का दिखाया जाता है, सुसई ऑफिस में काम करके जाने लगती है, तो उसके कोई पूछने लगती है कि तुम आज अपने घर अपने बेबी को जल्दी संभालने के लिए जा रही हो, तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं बेबी को तो मॉम डैड संभाल लेते हैं, मैं तो आज स्कूल के गैदरिंग में जा रही हूँ जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म पहनना है। फिर जेंगलू की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे पहुँच चुका हूँ, तो सुसई भी भाग कर बाहर आती है। जेंगलू तो सुसई को देख कर देखते ही रह जाते, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने उसको दोबारा से यूनिफॉर्म में देखा था। और सुसई को हक करके घुमाने लगता है, सोच रहा होता कि अगर मुझे अपनी किस्मत का पता होता तो मैं बल्कि उसे ये कहता कि मुझे इस इंसान से पहले मिला देता, क्योंकि ये कितनी अच्छी है। और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी करना इसी तरह के न्यू ड्रामास को देखने के लिए। ओके बाय बाय।